नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि किसी सेंटेंस को वो समझ नहीं पाते हैं कभी कभी कि उसे कंटिन्यूस में बनाना चाहिए या परफेक्ट में बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं, आप अच्छे से पहचान पाएं कि किस सेंटेंस को कंटिन्यूस में बनाना है और किस सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो चलिए सीखते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, यानी कि कोई काम चल रहा है तो वो कंटिन्यूस है। कहते समय जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं उस समय मैं वो काम कर रहा हूं। ट्रेन जा रही है, यानी कि मेरे सामने ट्रेन जा रही है। वह किताब पढ़ रहा है, यानी कि मेरे सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति किताब पढ़ रहा है। यानी कि कहते समय जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूस होता है। अब रहा है रही है तो हर किताब में लिखा होता है, बच्चे समझ भी जाते हैं रहा है रही है वाला सेंटेंस कंटिन्यूस है। लेकिन कुछ ऐसी एंडिंग होती है टेंसेस की जो कंफ्यूज करती हैं, इसलिए हमने टेंस की पहचान भी कुछ डिफरेंट समझाई है, बताई है। आप उसको ध्यान रखना और उन शब्दों को याद कर लेना। जैसे कि यहां पर लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है। ये खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है, यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि खड़ा है क्या है, पड़ा है क्या है। वो सोचते हैं कि परफेक्ट ना हो कहीं गलती से। तो खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है, ठहरा हुआ है, ये कंटिन्यूस है। देखिए कंटिन्यूस तीन होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आप रहा के पीछे है लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट में काउंट हो जाता है। अगर आप रहा के पीछे था, थे, थी लगा देते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, ठहरा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। और अगर आप उसी पहचान के पीछे होगा, होगी लगा देते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, ठहरा होगा, तो वो फ्यूचर हो जाएगा। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि हम कंटिन्यूस को समझ नहीं पाते। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो आपको क्लियर है कि है आया तो प्रेजेंट है, था आया तो पास्ट है, और होगा होगी आया तो फ्यूचर है। ठीक है, तो उस कंटिन्यूस फॉर्म को समझने के लिए खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है जैसे शब्द याद रखने हैं आपको। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, टेबल पर पेन पड़ा है। मान लीजिए एक टेबल है, उस पे पेन पड़ा है, यानी कि जब हम कह रहे हैं हमारे सामने वो चीज अभी भी पड़ी हुई है, वो काम कंटिन्यूस है अभी भी, अभी उसको हटाया नहीं गया है वहां से, वो काम वैसी की वैसी कंडीशन में कंटिन्यूस है। अगला सेंटेंस है, राहुल कुर्सी पर बैठा है। अब राहुल कुर्सी पर बैठा है तो मैं देख सकता हूं ना कि मेरे सामने बैठा हुआ है, इट मीन्स वो उसके बैठने की जो क्रिया है वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी उसने उस कुर्सी को छोड़ा नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूज है। ठीक है, वह दिल्ली में ठहरा हुआ है। अब हम किसी के बारे में बता रहे हैं, भाई आजकल वो दिल्ली में ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ है मतलब अभी भी दिल्ली में ही है, तो उसका दिल्ली में रहने का काम, ठहरे हुए होने का काम भी कंटिन्यूज है। तो कहते समय जो काम कंटिन्यूस रहता है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। अगर है की जगह था लगा दोगे तो ठहरा हुआ था पास कंटिन्यूस हो जाएगा, ठहरा हुआ होगा फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, सोनिया छत पर खड़ी है। अब मान लो कोई छत पर खड़ा है तो अभी भी वो उतरा नहीं है वहां से, वो वहीं पर खड़ा है, यानी कि उसके खड़े होने का काम भी जारी है। तो कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई काम चल रहा है, जारी है, कहते समय वो काम क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये काम अभी हो रहा है। और लास्ट सेंटेंस मैंने लिया है, वह किताब पढ़ रहा है। नॉर्मली जो हर बुक में लिखा होता है रहा है, रही है, रहे। तो आई थिंक कंटिन्यूस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि अगर आपको प्रेजेंट बनाना है तो उसके साथ है लगा दो, पास्ट बनाना है तो था लगा दो, और फ्यूचर बनाना है तो होगा होगी लगा दो। और कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रक्चर में ध्यान रखना कि हमेशा कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए कंटिन्यूस का मतलब था कि कोई काम चल रहा है, और परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम खत्म हो चुका है। यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि ये काम अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ है, प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो काम समाप्त हो चुका है कुछ देर पहले उसे हम परफेक्ट कहते हैं। तो उसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं,
ये भी हर बुक में लिखा होता है, ठीक है। हमने इसमें कुछ क्या ऐड किया, आया है, गया है, खाया है, पिया है, लड़ाई की है, धक्का मारा है आदि। अब हम इन शब्दों को ले लेते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं वह अपने गांव जा चुका है, तो चुका है चुकी है तो सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी कि उसके गांव जाने का काम खत्म हो चुका है, वो चला गया। राम अभी अभी गांव से आया है, राम अभी अभी आया है यानी कि आ चुका है, उसके भी आने का काम, अभी वो आ नहीं रहा है ट्रेन में, उसके आने का काम खत्म हो चुका है, आके वो बैठ गया है, यानी कि जो उसकी ट्रैवलिंग थी वो फिनिश हो चुकी है। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि समाप्त हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोनिया स्कूल गई है। अब सोनिया स्कूल गई है मतलब सोनिया स्कूल जा चुकी है, उसके जाने का खत्म हो गया काम, वो पहुंच गई स्कूल, अब वो जाने ही नहीं है। अगर वो जा रही होती तो वो कंटिन्यूस में काउंट होता, लेकिन वो पहुंच चुकी है तो वो परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मैंने अभी चाय पी है, मैंने चाय पी है यानी कि पी के चाय खत्म हो चुकी है, चाय में पी चुका हूं, तो वो भी परफेक्ट टेंस है, जो काम खत्म हो चुका है वो परफेक्ट टेंस है। राम ने ही उसे धक्का मारा है, मान लो किसी ने किसी को धक्का मारा है, तो धक्का मारने का काम तो खत्म हो चुका ना, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि राम ने ही उसको धक्का मारा है, तो उसका धक्का मारने का काम भी खत्म हो चुका है। तो कंटिन्यूस वो टेंस है जो काम चल रहा है, और परफेक्ट वो टेंस है जो काम खत्म हो चुका है। और याद रखना हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। तो आई होप इस वीडियो को देखकर आपको कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और देख लेना क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो देखने के आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।